नमस्ते भाइयों बहनों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, जहां हम बात कर रहे हैं मुनीत धीमान जी से, जो कि भारत में एक बहुत ही यूनिक गुरुकुल के संस्थापक हैं। इस एपिसोड में हम बात करते हैं कि भारतीय दृष्टि से एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कौन से एस्पेक्ट्स हमारे आज के मॉडर्न डे एजुकेशन में मिसिंग हैं, और उनका गुरुकुल विद्या क्षेत्र कैसे हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं मुनीत धीमान जी का। नमस्ते मुनीत जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पिछले सेशन में सहाना जी आई थी हमारे साथ बात करने, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई विद्या क्षेत्र के बारे में कि जितने भी गुरुकुल उन्होंने विजिट किए हैं उसमें से सबसे अच्छा मॉडल उन्हें विद्या क्षेत्र का लगा। तो थैंक यू फॉर कमिंग। आज आप खुद हमें बताएंगे कि क्या क्या मॉडल है, क्या होता है विद्या क्षेत्र में। मैं भी बहुत जिज्ञासु हूँ और हमारे दर्शक भी बहुत जिज्ञासु है इस टॉपिक को लेकर। Thank you, Anand ji, for inviting me, and I am always very thankful to Sahana ji for her. In many forums, she has gone and told about Vidya Kshetra, and I am happy that we are doing something which many people want to know more about. So I am very happy to share more. हाँ जी बिल्कुल। सो आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन मैं आपकी वेबसाइट पर गया, विद्या क्षेत्र के बारे में मैंने स्टडी किया, तो सबसे पहली चीज जो दिखती है वेबसाइट पे वो है भारतीय मॉडल ऑफ एजुकेशन। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है ये भारतीय मॉडल ऑफ एजुकेशन और कैसे अलग है ये इस ट्रेडिशनल एजुकेशन से, इस मैकॉले एजुकेशन से जो हमने ली है। देखिए, बहुत सिंपल है। क्या हुआ है कि इतनी हम दूर निकल आए हैं हमारे भारतीय मॉडल ऑफ एजुकेशन से कि अभी हमें ये डिस्कशन भी करना पड़ रहा है कि भारतीय मॉडल है क्या। जिस मॉडल में जिसका आधार हमारी अपनी संस्कृति हो, जिसका आधार हमारे अपने शास्त्र हो, और जिसका आधार हमारी अपनी व्यवस्थाएं हो, उस मॉडल को हम लोग अपनी व्यवस्था और अपना मॉडल बोलेंगे। अगर मेरे को एक शब्द यूज करना है तो मैं बोलूंगा स्वतंत्र। तंत्र मतलब सिस्टम। तो जिस मॉडल में हमारे सिस्टम्स चल रहे हो, हमारा करिकुलम हो, हमारी मेथोडोलॉजी हो, हमारे असेसमेंट तरीके हो, उसको हम अपना मॉडल बोलेंगे। अब आज का जो मॉडल है उसमें ये कुछ भी नहीं है। हमारा जो जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो नहीं है। हमारी जो जो पद्धति है वो नहीं है। हमारे जो पाठ्यक्रम है वो नहीं है। और तो और जो उसका जो तरीका है वो हमें हमारी खुद की संस्कृति से दूर लेके जाता है। क्योंकि आप देखिए कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हमारे स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उनके दिल में कहीं ना कहीं, अधिकतर बच्चों के केस में मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं कि सभी के केस में, अधिकतर बच्चों के केस में भारत की संस्कृति के प्रति ना तो श्रद्धा होती है और ना ही अनुभव होता है। तो हमारे ना तो उत्सवों को पहचानते हैं कि कैसे मनाना है और क्या करना है। वैसे ही जो हमारे, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, कई बच्चे तो भारत के विरुद्ध मानसिकता लेके बड़े होते हैं कि उनको भारत में कमियां ज्यादा दिखती हैं, अच्छाइयां कम दिखती हैं। और बच्चे बोलते हुए नहीं थकते दैट दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया, इट कैन ओनली हैपन इन इंडिया। इतनी बार आप सुनेंगे ये चीजें, बिकॉज उनके अंदर वो कूट कूट के भर दिया जाता है उनके एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस से और एनवायरमेंट से, कि भारत की कमियों को बहुत ज़्यादा उनको एक प्रकार से बड़ा करके उनके सामने रखा जाता है, सब्जेक्ट्स के थ्रू, मेथोडोलॉजी के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू और कल्चर के थ्रू। तो ये जो बातें हैं ये लगती छोटी हैं कई बार, पर इसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि हमारी अपनी ही संस्कृति हम छोड़ के पीछे जा रहे हैं, जिसमें बहुत सुंदरता है, जिसमें बहुत दम है। क्योंकि भारतीय मॉडल अगर आप देखेंगे, शिक्षा पंचकोश के ऊपर आधारित मॉडल रहा हजारों वर्षों से। जो हमारी व्यवस्थाओं का मॉडल था, हमारी शिक्षा व्यवस्था का मॉडल था, वो पंचकोश के ऊपर आधारित मॉडल था। अभी पांचों कोश, जिसको हम बोलेंगे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, अगर ये पांचों कोश हम संपूर्ण तरीके से विकसित कर सके या अच्छे तरीके से विकसित कर सके, तो उस व्यक्ति की जो एक जो व्यक्तित्व होगा, जो उस व्यक्ति का विवेक होगा, मानस होगा, वो कितना सुंदर होगा। पर आज की शिक्षा आप देखेंगे तो ये किसी भी बिंदु पे वो काम ही नहीं कर रही है एक्सप्लिसिटली। सिर्फ हम लोग पांचों कोशों को आप समझा सकते हैं क्या कि इन पांचों कोशों में किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है? हाँ जरूर। तो जैसे अन्नमय कोश है, उसमें हम लोग हमारे जो शरीर है उसके ऊपर अन्नमय कोश, जिसमें कि हमारे शरीर को ले लीजिए, हमारे अंदर के जो
ऑर्गन्स हैं उनको ले लीजिए, इन सब को अच्छे से हम लोग विकसित कर सके एक हेल्दी तरीके से। तो बहुत सिंपल इसमें होगा कि बच्चे की शिशु अवस्था में जो पैदा होने से लेके 6 वर्ष तक जो अवस्था होती है उसमें बच्चा सोता अच्छे से है क्या, बच्चा खेलता अच्छे से है क्या, बच्चा खाना अच्छे से खाता है या नहीं खाता है। आज अब अधिकतर बच्चों को देख लीजिए, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, खाने के अंदर से सब्जियां अलग कर देते हैं, टमाटर अलग कर देते हैं, ये अलग कर देते हैं, वो अलग कर देते हैं, मुझे दाल अच्छी नहीं लगती, मेरे को बर्गर ला के दो, मुझे सैंडविच खाना है, मुझे बाहर ही जाना है, स्विगी से बुला लो, जोमेटो से मंगवा लो। हम विद्यालय की शिक्षा की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, तो घर के वातावरण की बात हो रही है। तो इसीलिए हमारे विद्या क्षेत्र के प्रयास में हम लोग कुटुंब शिक्षा के ऊपर भी बहुत ध्यान करते हैं कि पेरेंट्स के साथ में, अभिभावकों के साथ में भी हम रेगुलर बात करते रहते हैं कि कैसे घर की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाए। विद्यालय की व्यवस्था को तो हम देख ही रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो ये खाने का विषय हुआ। ऐसे ही अभी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको पहली बार वो श्वास लेता है तो उसके जो लंग्स हैं वो डेवलप नहीं हुए होते उतने तरीके से, तो इसलिए लंग्स के ऊपर काम होना बहुत आवश्यक होता है। पर आजकल के आप शिशु अवस्था के बच्चों को देख लीजिए तो उनके तो सिर्फ अंगूठे खेल रहे हैं वीडियो गेम्स के ऊपर, तो वहां से लंग्स डेवलप होंगे? तो बच्चों के इसीलिए आप देखेंगे आजकल वीजिंग, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कितने सारे लंग्स रिलेटेड इश्यूज छोटे बच्चों में या जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि लंग्स नहीं डेवलप हुए। अभी थोड़े समय पहले एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, एक न्यूज़पेपर में आया था कि बैंगलोर शहर में जो उन्होंने सर्वे किया कितने ही हजारों लोगों का, उनमें से अधिकतर लोग 99% लोग का जब देखा उन्होंने तो 50-60% भी लंग कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहे थे। तो इतनी जो सिचुएशन है वो इतनी ग्रेव है कि हम लोग एक तो हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस, दूसरा बच्चों को जो वीडियो गेम और मोबाइल फोन का एक्सपोजर बचपन से मिल जाता है उनका जो फिजिकल फिटनेस लेवल्स और खेलने का जो रुचि है वो बिल्कुल हट जाती है। बैठ के जब काम हो रहा है तो भाग दौड़ के क्यों करना है। तो इसलिए ये बहुत सिंपल सा विषय है कि अन्नमय कोष मतलब खाना, सोना और खेलना, ये अच्छे से हो रहा है क्या। बाकी घर के वातावरण में बच्चे रहेंगे, माता पिता दादा दादी सबसे सीखेंगे, वो लर्निंग तो चलती ही रहती है कहानियों के रूप में, कल्चर के रूप में कि घर का कल्चर कैसा है, घर की परंपराओं का ज्ञान। तो ये जो है ये विज्ञानमय कोष पे पैरेलली काम करता रहता है, ये उनके मनोमय कोष में पैरेलली काम करता रहता है, पर मुख्य काम अन्नमय कोष को विकसित करने का है, सोना, खाना और खेलना। ये 3 पे अगर हम अच्छे से पकड़ ले तो अन्नमय कोष का काम हमारा हो जाता है। ऐसे ही प्राणमय कोष, प्राणमय कोष का मतलब है कि हमारी जो 5 वायु हैं शरीर की, जो कि हमारे में एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, हमारे सभी प्रकार के जो अंदर जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका कैसा चल रहा है आपस में तालमेल, तो जो हमारी उस हिसाब से हमारा शरीर कितना स्वस्थ है, हमें प्राण शक्ति कितनी है, तो इस विषय को लेके प्राणमय कोष को विकसित करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो प्राणमय कोष को विकसित करने के लिए हमारे को बच्चों के जो शिशु अवस्था में परिवार के डिसिप्लिन को देख के बच्चा सीखता है, प्राणमय कोष को बाल अवस्था में हम लोग अलग अलग विषयों के थ्रू लाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्रीड़ा एक विषय है, योगा एक विषय है, उसमें स्विमिंग करते हैं बच्चे, संगीत विद्या जो है करना, कृषि करना, मेहनत करना, पसीना बहाना, एक रिदम में, जैसे कि सूर्य की रिदम है, अपनी पृथ्वी की रिदम है, उसी प्रकार एक रिदम में बच्चे को कार्य करना सीखना चाहिए। हर जितना वो अपने आप को रिदम में बांधेगा उतना उसका अपना सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता रहेगा, क्योंकि अभी मनोमय जो कोष है या मन जो है उतना अभी सक्रिय नहीं होता है बाल अवस्था में। मन जब सक्रिय होना लगता है तो ये सब चीजें कठिन होने लगती हैं, क्योंकि मन का नेचर है मेरा मन नहीं कर रहा आज ये करने को, या मेरा मन ये करने को कर रहा है। तो मन जब सक्रिय होने लगता है तो बहुत बाधाएं आने लगती हैं, और मन का जो विषय है, मनोमय कोष का जो विषय है, उसको हम किशोरावस्था में पकड़ते हैं। किशोरावस्था मतलब 12 से 18 साल की जो अवस्था है।
तो अगर ये 6 से 12 साल का काम अच्छे से हुआ है, जिसमें कि बच्चे ने मेहनत करी है मिट्टी के साथ, कपड़े के साथ, बच्चों ने अच्छे से संगीत विद्याएं सीखी हैं, कलाएं सीखी हैं, बच्चों ने अच्छे से गणित और विज्ञान और संस्कृत भाषा को कंठस्थीकरण किया है, उसमें गहराई से उन्होंने समय देके अच्छे से सीखा है, तो ये सारी जो जो आदतें वो डेवलप करते हैं, ये मन को एक प्रकार से बाउंड्री देती है जब मन इधर उधर खिसकने के लिए जाने का कोशिश करता है। तो एक प्रकार से हमारी आदत बन चुकी होती है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन से या संयम से कार्य करना सीख चुके होते हैं। अब आज की सबसे बड़ी परेशानी टीनेजर्स की यही है, जो एडोलेसेंस में हमको सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है टीनेजर्स के साथ, कई पेरेंट्स और कई मेरे जो मित्र हैं पूछते हैं कि ऐसे कैसे डील करें, अभी मेरी 13 साल की बच्ची है, 14 साल का लड़का है, बहुत परेशानी फेस हो रही है। मैंने कहा वो जो पिछले 6 साल में जो काम होना था वो नहीं हुआ, तो इसलिए अब ये मुश्किल तो आएगी, क्योंकि अब मन जो है, मन में क्या होता है, मनोमय कोश में घर होता है 6 अनर्थों का, काम क्रोध मोह मद मात्सर्य लोभ, ये जो 6 अनर्थ हैं इनका घर मनोमय कोश में होता है, क्योंकि हम मन के थ्रू व्यवहार करते हैं दुनिया के साथ, लोगों के साथ, वस्तुओं के साथ। तो अगर अगर हमें ग्रीड है ज्यादा ज्यादा लेने की, या अगर हमें एनवी है नेगेटिव कॉम्पिटिशन का, तो स्वाभाविक है कि वी विल गेट ड्रॉन इन टू इट, हम लोग उस दिशा में घुस जाएंगे, क्योंकि अभी हमने सीखा ही नहीं बाउंड्री देना पिछले इतने सालों में, हमारे वैल्यू सिस्टम को स्ट्रांग नहीं बनाया गया, हमारे सेल्फ डिसिप्लिन पे काम नहीं हुआ, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम नहीं हुआ, इसीलिए एडोलेसेंस में टीनेज में हमें डिफिकल्टीज आती है। तो मनोमय कोष पे काम करना अलग विषय है, बहुत गहरे विषय है ये सभी कोषों पे काम। विज्ञान में कोश इन नटशेल इज विवेक का, जब आपको धर्म का बोध आने लगे तो विवेक डेवलप हुआ ऐसा हम बोलते हैं। तो धर्म का बोध मतलब जो मेरा करने का मन है नहीं करना, क्योंकि वो सही नहीं है करने के लिए, और जो मेरा नहीं करने का मन है वो करना, क्योंकि वो सही है करने के लिए। तो ये जो डिसीजन मेकिंग और डिस्क्रिशन और डिस्क्रिमिनेशन, ये जो क्वालिटी डेवलप होना, धर्म का बोध जिसको कहते हैं उसको विवेक कहते हैं। तो विज्ञानमय कोश का ये विषय है। आनंदमय कोश तो अंदर पूरा जो आपका अंदर का जो जीवन है, आप कितने अंदर गए हैं, परमात्मा के साथ में, भगवान के साथ में आपका क्या रिश्ता है, जो सच्चाई है ट्रूथ के साथ में आपका क्या रिश्ता है, वो आनंदमय कोश के विषय है। जैसे आप मनोमय कोश की बात कर रहे हैं, अब तो टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, फिर भी अभी भी हम देखते हैं कि मैं और मेरे दोस्त भी कई बार बात करते हैं कि अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है या कोई मेंटल इशू है तो हम लोग बात करते हैं, हमें पता समझ आता है कि मेडिटेशन करना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन उसको आदत बनाना उसकी मुश्किल हो जाती है, हम अपने रूटीन से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं, और यही लगता है कि ये स्टार्टिंग से बचपन से ही आदत होनी चाहिए थी। तो बच्चों को कैसे इसकी आदत लगाते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ऐसा है कि मन इतना चंचल है कि उसको बैठना, थोड़ी देर शांत बैठना ही आजकल मुश्किल है, तो बच्चे कैसे रिसीव करते हैं उनको और आप कैसे उनको ये चीज सिखाते हैं करना? तो ये तो आपका प्रश्न ही नहीं है, ये तो अर्जुन भी प्रश्न पूछा था भगवद गीता में कृष्ण से कि, और ये वो अर्जुन है जिसको हम निद्र पे जीतने वाला कहते हैं, जिसको हम इंद्रियों को जीतने वाला कहते हैं, कि जो स्वर्गलोक में जाके भी वहां की अप्सराओं से विचलित नहीं हुआ, जो रात में भी अपने धनुर्विद्या का अभ्यास करता था, वो अर्जुन युद्ध भूमि में कृष्ण से बोल रहा है कि हे कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है। तो ये विषय तो एटर्नल विषय है, आपका प्रश्न भी बहुत अच्छा है और इसमें काम तो करना चाहिए। इसीलिए जब हम मिट्टी के साथ काम करते हैं बाल अवस्था में, 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में, जब हम कपड़े के साथ काम करते हैं, जब हम महीनों लग के एक अपना बैग बनाते हैं निटिंग से, जब हम पेंटिंग करते हैं जिससे कि हमारी इच्छा शक्ति सुदृढ़ बने, जब हम हाथ से चीज़ें बनाते हैं या इच्छा शक्ति फीलिंग रेलम के काम करते हैं, तो हमें अंदर ही अंदर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। एक नियमितता से, एक अनुशासन से जीवन का जो रस है उसका अनुभव मिलने लगता है। एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन नेगेटिव है, क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिन का जीवन का अनुभव नहीं किया होता है।
तो लोगों को लगता है फ्रीडम में ज्यादा मजा है, कभी भी कुछ भी कर लो, कभी भी कैसे भी कुछ भी कर लो, कहीं पर कुछ भी खा लो, अरे यार मौज करो. दैट इज द विच इज वेरी नेचुरल यू नो, बिकॉज दैट इज द ओनली टेस्ट आई हैव टेस्टेड. पर जैसे ऋषि और मुनि बताते हैं या भगवद गीता में भी स्वयं भगवान कह रहे हैं कि सत्व गुण का जो रस है वो बहुत डीप है. इट इज 100 टाइम्स मोर एंड 1000 टाइम्स मोर देन द फ्लिकरी हैप्पीनेस दैट वी गेट फ्रॉम बीइंग कैजुअल विद टाइम एंड अवर इंटरेक्शंस. बट क्योंकि हमने उसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वी नेवर गेट कनेक्टेड टू दैट दैट डायमेंशन इन अवर अपब्रिंगिंग, इन अवर एजुकेशन. तो इसलिए वी फॉल शॉर्ट ऑफ यू नो द स्ट्रेंथ दैट वी नीड, द डिसिप्लिन दैट वी नीड, इवन व्हेन वी नो दैट दिस इज नॉट राइट. तो मन पे काबू कर पाना बहुत कठिन है अगर हमारा विज्ञानमय कोश स्ट्रांग नहीं बना है. एक्सट्रीम केसेस में, और इसमें क्या होता है कि जितना हम लोग हमारे विवेक को या हमारे वैल्यू सिस्टम को स्ट्रांग करते रहते हैं, मन उतना ही उसकी सुनता है. पर जितना हम कैजुअली और यू नो डायनेमिकली और स्पॉन्टेनियसली करते रहते हैं, उतना हमारा विवेक और विज्ञान में कुछ वीक होता रहता है और मन स्ट्रांग होता रहता है. एक्सट्रीम केसेस ऑफ मन बीइंग स्ट्रांग एंड विज्ञान में कुछ बीइंग वीक इज एडिक्शन, वेयर यू नो वी आर नॉट एबल टू ओवरकम द एडिक्शंस एट ऑल, वेदर इट इज यू नो ड्रग एब्यूज, वेदर इट इज एल्कोहल एब्यूज, वेदर इट इज मोबाइल फोन एडिक्शंस और यू नो पोर्नोग्राफी एडिक्शंस. सो हम लोग हमारे मन को काबू नहीं कर पाते क्योंकि विज्ञान में कोश इतना वीक हो गया है कि मन उसकी सुन ही नहीं रहा. एंड वर्स्ट केस में तो फिर देन वी टेक सम यू नो रॉन्ग एक्शंस एंड डीड्स आल्सो, और यू नो डिप्रेशन और सैडनेस और द फीलिंग्स दैट वी गो थ्रू एज अ रिजल्ट ऑफ इट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट सिस्टमैटिकली आवर एजुकेशन मॉडल्स एंड आवर मेथडोलॉजीज address this very important need. What is happening is today we see so many advertisements from hospitals about dealing with depression, but that's too, you know, that's in advanced ages, you know. It can be beautifully addressed systematically, not reactively, but proactively through our education methodologies and models. And that was the strength of Bharatiya education model. Understood. तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं मेरे रिलेटिव्स जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे बात करता हूँ मैं, और हर किसी की ये प्रॉब्लम होती है कि मोबाइल में लगा रहता है मेरा बेटा बेटी, मोबाइल में लगे रहते हैं, और मैं उनको बोलती रहती हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो. एक तो लगता है मुझे कि मैं रोबोट बन गई हूँ या बन गया हूँ बोल बोल के, और ये लोग अलग, ये लोग भी रोबोट बन गए हैं मोबाइल चला चला के. तो कई बार गुरुकुल की बात भी मैंने उनसे उठाई है और उनका यही कंसर्न रहता है हमेशा. इस प्रॉब्लम को तो वो समझ रहे हैं कि एडिक्शन आ चुका है लाइफ में, मन पे काबू नहीं है, लेकिन उनका मेन कंसर्न ये रहता है कि गुरुकुल में जाके क्या सीखेगा बच्चा और हमारे फास्ट मूविंग सोसाइटी में कैसे फिट होगा, क्या करेगा आगे जाकर, हाउ विल ही सर्वाइव एंड हाउ विल ही अर्न. तो विद्या क्षेत्र इस चीज को कैसे एड्रेस करता है, इसके बारे में बताइए प्लीज. जी, तो एक तो पहली बात ये समझना चाहिए हमें कि जब भी हम गुरुकुल की बात करते हैं ना, अधिकतर जो इमेज बनती है सबके माइंड में वो ये बनती है कि ये वैदिक गुरुकुलम होगा. अभी वैदिक गुरुकुलों के लिए हमारे हृदय में रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए क्योंकि इमेजिन करिए 200 वर्ष में जहां हमारे 600,000 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे भारत में, धर्मपाल जी अपनी पुस्तक ब्यूटीफुल ट्री में इसका वर्णन करते हैं, आज हमारे मॉडल पर रन करने वाले केवल गिने चुने इंस्टीट्यूशंस ही रह गए हैं पूरे भारत में, और वो सिर्फ वैदिक इंस्टीट्यूशंस ही हैं. चाहे आप श्रृंगेरी ले लीजिए, वाराणसी ले लीजिए, या उडुपी ले लीजिए, या हरिद्वार ले लीजिए, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके लिए हमारे हृदय में बहुत आदर होना चाहिए कि समय विपरीत होने के बाद भी उन्होंने वैदिक गुरुकुलम या वैदिक शिक्षा को कंटिन्यू रखा. पर जो हमारे देश का बड़ा नुकसान हुआ है उसको हमें समझना चाहिए कि ये जो 600,000 इंस्टीट्यूशंस थे ये सारे ही गुरुकुल थे. इनमें वेद गुरुकुल भी थे, इनमें आचार्य कुलम भी थे, इनमें जातियों के रन करने वाले, अपने जो कम्युनिटीज के रन करने वाले शिक्षा संस्थान थे वो भी थे, विद्यालय भी थे, पाठशालाएं भी थी, और इनमें अग्रहारास भी थे, विद्यापीठ भी थी. इतने सारे प्रकार के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो सबको मिला के हम लोग गुरुकुल या भारतीय शिक्षा के संस्थान बोलते थे. क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंस्टीट्यूशन में किसी का तो वो कुल था ना, कोई तो व्यक्ति खड़ा हुआ था उसको चलाने के लिए, तो वो गुरुकुल हो गया.
अब विद्या क्षेत्र ने जो जो 12 साल से पहले से जो एक मॉडल को बनाने के लिए जो शुरुआत करी, पहले हमारा जो 6 वर्ष का था अध्ययन का समय था, उसमें हम काफी जगह गए, समझे इस विषय को, हम लोग भारतीय शिक्षा के विषय को जानने के लिए स्वाध्याय किए, अध्ययन किए, मिले बहुत सारे लोगों से, और फिर आज से 7 वर्ष पहले हमने विद्या क्षेत्र शुरू किया ऑन द ग्राउंड गुरुकुल। तो इसमें ये बात इसमें हमारा समझना बहुत जरूरी है कि ये जो मॉडल है, ये आज के जो डे स्कूल मॉडल है उसके अल्टरनेटिव में हम लोग मॉडल खड़ा कर रहे हैं। तो बाकी जो चीजें हम खो बैठे हैं उनको हम लोगों को वापस से स्थापित करना है। तो ये बात पेरेंट्स को समझ में आनी चाहिए कि विद्या क्षेत्र गुरुकुलम किसी भी मायने में कम नहीं है, एकेडेमिकली कम नहीं है, कलाओं में कम नहीं है। आज पेरेंट्स मारे मारे फिर रहे हैं, आप देखिए अपने बच्चे को संगीत विद्या के लिए कहीं लेके भागते हैं, पेंटिंग कहीं करवाते हैं, कहीं ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कहीं पर ये पूरा एक मिक्स एंड मैच मॉडल हो गया है। बच्चा मैंने भी किया सर, डांस कहीं सीखा है, गाना कहीं सीखा है, बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि ठीक है आप विषय तो सीख रहे हैं पर विषय इंटीग्रेटेड नहीं है। विद्या क्षेत्र में आज बच्चा 24 विषय सीखता है, 24 सब्जेक्ट्स। नाउ उसमें 6 विषय जो हैं वो इच्छा शक्ति के हैं। इच्छा शक्ति के लिए जैसे तो शास्त्रीय संगीत है, वोकल, तबला है, बांसुरी है, भरतनाट्यम है, थिएटर है और पेंटिंग है। ये 6 विषय बच्चा इच्छा शक्ति पे जो केंद्रित है वो है, वो विषय है। ऐसे ही क्रिया शक्ति, हाथों को सुदृढ़ बनाना, मेहनत करने के लिए मन लगे बच्चे को, आलस नहीं आए, और हाथ से कुशलता निर्माण करना कि वन शुड बी एबल टू डू थिंग्स विद द हैंड। सो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर 6 विषय हैं। तो बच्चे हर रोज 1 घंटा कृषि करते हैं, बच्चे साल में 1 महीना घर बनाते हैं, पूरा नया घर जिसको हम अगले साल क्लासरूम की तरह या लैब की तरह या किसी भी चीज में यूज करते हैं। बच्चे कपड़ा बनाते हैं, हमारे यहाँ हैंडलूम सेंटर है जिसमें लूम्स पे बच्चे कपड़ा बनाते हैं। ऐसे बच्चे अपना कपड़ा सिलते हैं, बुनते हैं, कढ़ाई करते हैं, मिट्टी का काम और लकड़ी का काम। ये 6 विद्याएं हाथ की हैं। ऐसे ही 7 विद्याएं जो हैं वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जिसको हम ज्ञानात्मक पहलू कहते हैं, ज्ञान शक्ति बढ़ाने के लिए, उसमें गणित है, विज्ञान है। अभी गणित और विज्ञान का करिकुलम हमने खुद बनाया है, जो कि भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार वो करिकुलम है। उसको करते, इट इज अ सुपर सेट ऑफ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल ओपन स्कूल। तो हम लोग ने करिकुलम जो बिठाया है, कई करिकुलम्स को स्टडी करके पहले 6 साल में वही काम किया हमने। तो उसमें 250 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स बच्चे करते हैं, जिसमें कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल है, अनुभव आधारित, विज्ञान का, गणित का और ज्योमेट्री का। तो ये विज्ञान और गणित 2 सब्जेक्ट हुए इंटेलेक्ट के। उसके बाद इतिहास और भूगोल, अभी इनका भी करिकुलम हमने खुद बनाया है। खुद मतलब हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो इसमें बहुत काम कर रहे हैं ऑलरेडी इतिहास के क्षेत्र में या भूगोल के क्षेत्र में। अभी भूगोल का जो विषय है उसमें बच्चे पूरा पहले साल में कर्नाटक बैंगलोर का, दूसरे साल में कर्नाटका का, तीसरे साल में दक्षिण भारत का, चौथे साल में पूरा जो जो आसपास के जितने स्टेट्स हैं और माउंटेन रेंजेस हैं, नीचे ओशंस हैं, सी है, इस सब का, पांचवें साल में नॉर्थ इंडिया का जिसमें हिमालय और राजस्थान और गंगा नदी हो गई। तो ऐसे हम लोग 5 साल लगातार ट्रिप्स पे जाते हैं, जो कि 3 या शुरू होके बढ़ते बढ़ते 15 दिन महीने भर का भी ट्रिप हो जाता है होते होते जब आप 14-15 साल के हो जाते हैं। तो भूगोल इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को। तो इस तरह से ये हो गए 4 विषय और 3 भाषाएं, तो संस्कृत, कन्नड़ा और इंग्लिश, ये तीनों में बच्चे निपुण हैं। संस्कृत में पूरा बात करते हैं, उसके व्याकरण तक उनका एकदम सुदृढ़ हम लोग करते हैं, 15 साल तक अच्छे से करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत डीप में बच्चे जाते हैं ताकि वो विश्व भर में अपने आप को कंफर्टेबली खड़ा हुआ देखें। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज 6, 6 एंड 7 सब्जेक्ट्स, बच्चे हर रोज खेलते हैं, योगा करते हैं, कलरीपयट्टू जो कि मार्शल आर्ट्स है वो सीखते हैं, और स्विमिंग, तैराकी। तो ये सारे विषय मिला के बच्चा सीखता है एक ही जगह में। ऑल दीज सब्जेक्ट्स स्टिल आर उपलक्ष्य फॉर अस, दिस इज नॉट लक्ष्य। वी हैव टू अंडरस्टैंड दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट बट दे आर टू अचीव द डेवलपमेंट ऑफ द पंचकोशास ऑफ द चाइल्ड, दैट इज द सेंटर। तो अगर बच्चा मानिए बाहर से
संगीत कहीं से सीख रहा है, तबला कहीं से सीख रहा है, पेंटिंग कहीं से सीख रहा है, तो वो विषय सीख रहा है उसका पंचकोश निर्माण नहीं हो रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट इंटीग्रेटिंग टू डेवलप अ सिंगल ह्यूमन बीइंग. तो ये सारे सब्जेक्ट्स जब बच्चे पढ़ते हैं होलिस्टिकली, अभी NIOS के मैथ्स और साइंस और इंग्लिश सब्जेक्ट इन सब के सामने क्या रहा, वो इतना सा ही है, वो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है. तो और इसीलिए विद्या क्षेत्र में हम लोग कोई एग्जाम नहीं लेते 9 वर्ष तक. बच्चे गहराई से सीखते हैं. हमारा जो करिकुलम है वो बहुत वाइड है, बहुत ब्रॉड है और बहुत डीप भी है. इसको करते करते NIOS का करिकुलम तो अपने आप हो ही जाता है. सिर्फ हमें आखिरी 6 महीने जो बच्चे का होता है, जब वो 15 साल का होता है, उनको एक एग्जाम कैसे देना है उसकी तैयारी करानी पड़ती है बस. और हमारा एक बैच जो है वो उनके अभी जो 17 साल के बच्चे हैं विद्या क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, वो पिछले साल दिए थे 10वीं कक्षा का, सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए. किसी के 96%, किसी के 95%, किसी के 93%, 87, 86% ऐसे नंबर आए हैं. जस्ट दिन में 3 घंटा एकेडमिक्स पढ़ के. आपको एकेडमिक्स उससे ज्यादा नहीं चाहिए. आज बच्चे 8-8, 10-10 घंटे सिर्फ गणित और विज्ञान और इंग्लिश, गणित विज्ञान इंग्लिश, हम उनके 20 साल सिर्फ वही पढ़ा रहे हैं उनको. इट्स अ वेरी इट इज नॉट राइट. इट्स नॉट राइट. यू नो वी आर टेकिंग द टेकिंग 20 इयर्स ऑफ अवर चिल्ड्रन अवे, पुटिंग देम अंडर सो मच प्रेशर, एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट यू नो फ्रॉम देम. देन यू नो वी ब्लेम देम. इट इज आई थिंक वी हैव टू टेक द ओनरशिप एंड सेट इट राइट. So that they holistically grow. Parents should not have any fear. If a system is based on panchakoshas, we are very confident that it will equip the children holistically and in good depth. So उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हैं ना. इतना अच्छे से जब सीखे हैं तो बहुत आराम से कुछ भी कर सकते हैं समाज में. बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. But again question, हाँ जी, तो ये question भी आता है कि अब विद्या क्षेत्र सिर्फ अभी एक है और जैसा आपने बताया था कि आपका प्लान है कि 10 और गुरुकुल आपको खोलने हैं और लोगों की सहायता से, तो फिर भी इस सिस्टम को स्केल करने में बहुत समय लगेगा, इसके और रेप्लिकेशंस बनाने में बहुत समय लगेगा, लोगों में अवेयरनेस आने में बहुत समय लगेगा. तब तक एक पेरेंट क्या कर सकता है अपने घर पे ऐसा कि वो इस डायरेक्शन में बढ़ सके, अपने बच्चों को उस सेम एजुकेशन सिस्टम के से बचा सके जिससे हम परेशान हैं? बहुत कठिन प्रश्न है ये, क्योंकि ये जो समस्या हमने अपने लिए खड़ी करी है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है. और 200 वर्ष में हम लोग बहुत दूर निकल आए हैं हमारी अपनी संस्कृति से, हमारी अपनी शिक्षा से. तो हमें थोड़ा तो हमें धैर्य होना चाहिए कि इसको वापस लाने के लिए एटलीस्ट हमें 50-60 वर्ष तो लगेगा उस थोड़ी मात्रा में लाने के लिए. पर विद्या क्षेत्र की विजन 10 गुरुकुल करने की नहीं है. और हमारे को लगता है कि ठीक है, अगर भगवान की कृपा हुई तो एटलीस्ट अगले 20-25 साल 30 साल में हम कुछ कर पाएं. तो हमारा विजन है कि अगले 24 वर्ष में हम 108 गुरुकुल इस प्रकार के भारत में देखना चाहते हैं. उस 24 वर्ष में से जो पहले 12 वर्ष हैं, जिसमें से एक वर्ष अभी निकल गया, 11 वर्ष रहे हैं, उसमें हम 10 करना चाहते हैं. तो ये जो है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होने वाली बात है. तो अगले 12 वर्षों में 10, उसके अगले 12 वर्षों में 108 तक हो जाएगा, और उसके अगले 12 वर्षों में आप सोच सकते हैं कि वो जब इतने बच्चे और इतने आचार्य समाज में जाएंगे तो कैसा उसका इम्पैक्ट होगा. तक्षशिला एक ही थी, आचार्य चाणक्य एक ही थे, और उन्होंने पूरे भारत में किस प्रकार का रेवोल्यूशन लाया. तो ये तो मुझे लगता है कि समय और जो एक कहते हैं ना संयोग, वो जो है जब जुड़ेगा तो कुछ भी संभव हो सकता है. हमें हमारा कर्तव्य करते रहना है, बाकी भगवान पे छोड़ना है. हाँ जी, तो जैसे विद्या क्षेत्र आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं, राइट? कोई बच्चों की फीस नहीं है, तो कैसे आपको सपोर्ट मिलता है इसको सस्टेन करने के लिए? क्या आपको लोगों से भी सपोर्ट मिलता है और गवर्नमेंट से मिलता है, या इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? एक्चुअली जो फ्री वर्ड है ना, उसको मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा यूज़ करने के लिए. मैं ये बोलूंगा कि इसको हम भारतीय सिद्धांत पे चलाते हैं, और भारतीय सिद्धांत धर्म के अनुसार अगर आप देखेंगे तो शिक्षा को कभी बेचना नहीं चाहिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत रहा जिसको हमने हजारों वर्ष तक पालन किया. उसके पीछे कारण क्या है कि जब आप किसी वस्तु को बेचते हैं
तो उसके वो बेचने वाले के प्रति श्रद्धा जो है व्यक्ति की कम होती है। और खासकर विद्या तो ऐसा ऐसी वस्तु नहीं बोलूंगा, विद्या तो सबसे श्रेष्ठ चीज है जिसको कभी नहीं बेचना चाहिए। और अभिभावकों के मन में, छात्रों के मन में आचार्यों के प्रति वो श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहला कारण विद्या नहीं बेचनी चाहिए। दूसरा कारण है कि हमारे समाज में सभी बच्चों को अधिकार होना चाहिए ऐसी शिक्षा को प्राप्त करने का। तो कई लोग आते हैं हमें बोलते हैं कि ठीक है आप एक फीस रख लो, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा उसको आप बोलो कि हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो मैं, हमारा कहना होता है उसमें, उस परिस्थिति में कि देखिए 10,000 कमाने वाला अगर हमें 1,000 दक्षिणा दे रहा है और 1,00,000 कमाने वाला 10,000 दे रहा है और 10,00,000 कमाने वाला 1,00,000 दे रहा है, तो हमारी नजर में वो तीनों बराबर है, क्योंकि उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। पर अगर आप 2,00,000 की फीस रख देंगे, 3,00,000 की फीस रख देंगे, तो जो 10,000 देने वाला है उसको हमेशा लगता रहेगा कि मैं कुछ कम दे रहा हूं। तो ये भावना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो व्यक्ति भी स्वाभिमान से विद्या क्षेत्र में आए और बोले कि ये मेरा गुरुकुल है। तो ये इस तरह से ये दूसरा कारण है कि समाज में हर बच्चे, हर परिवार को ऐसी संभावना मिलनी चाहिए इस प्रकार की शिक्षा के लिए। तो ये दो कारण है। तो हम लोग दान दक्षिणा के ऊपर विद्या क्षेत्र चलाते हैं और अभिभावक जितने हैं वो हमको दक्षिणा देते हैं हर साल, और जो गैप रहता है वो गैप हम लोग हमारे मित्रों से, जिनके साथ हम काम किए, हमारे रिश्तेदार, उन लोगों से हम लोग फिर इकट्ठा करते हैं और विद्या क्षेत्र को चला रहे हैं। आज 7 वर्ष हुए हैं, चल रहा है। बीच में 1-2 वर्ष हुआ था जिसमें हमें थोड़ी कठिनाई हुई थी, पर फिर भी हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया और मुझे तो लग रहा है कि ये एक संभव मॉडल है, हमें इसको लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस, आज हम फीस नहीं रखे इसीलिए कई क्षेत्रों में, विद्या क्षेत्र में अभिभावक बहुत खुशी से सेवा के रूप में आते हैं, जुड़ते हैं। उदाहरण है, हमारा ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं है, पेरेंट्स आते हैं, ड्रॉप करते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। विद्या क्षेत्र में जो खाना बनता है दोपहर का, उसमें अभिभावक जो है वो सेवा रूप में हर रोज एक एक पेरेंट आते हैं, वो सब्जी काटने में, खाना सर्व करने में सहायता करते हैं। उसी प्रकार से अभी हमारी लाइब्रेरी में काम चल रहा है, सेटअप कर रहे हैं, कई चीजें हमने नई, कई पुस्तकें खरीदी हैं, उसका कैटलॉगिंग, उसके अंदर कार्ड्स डालना, उसका सब जो है पेरेंट्स आके वो सेवा कर रहे हैं। हम हर महीने में एक नमकीन, एक मीठा बनाते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए, जिसमें 75 फैमिलीज हैं अभिभावकों की और लगभग 20-25 परिवार हैं आचार्यों के। तो सबके लिए हम नमकीन मीठा, ताकि हमें बाहर से खरीदना ना पड़े बेकार ऑयल और बेकार इंग्रेडिएंट्स का जो बनता है, तो उसमें भी 15-15 परिवार आके वो साथ में बनाते हैं मिठाई और नमकीन, और फिर ये सब 100 परिवारों को लगभग हम लोग दे देते हैं। तो ये सब अभी संभव है जब हम लोग फीस नहीं रखे हैं, क्योंकि सबको जैसे एक अपनापन लगता है वैसा श्रद्धा आती है हृदय में। नहीं बिल्कुल, जैसे हम पुराने समय में भी देखते हैं तो कभी भी एजुकेशन को बेचा नहीं जाता था। जो राजा थे, जो राजा होते थे, जो टेंपल्स होते थे, वो फंड करते थे हमेशा एजुकेशन को। इसीलिए मेरा हमेशा आह्वान रहता है कि समाज में कि आगे आइए और सहायता करिए, क्योंकि काम बहुत बड़ा है ये काम। अगर अभी आपने ये प्रश्न पूछा था कि विद्या क्षेत्र में कितने आचार्य हैं, आज की डेट में विद्या क्षेत्र में 29 आचार्य हैं, 29 टीचर्स आर देयर, आचार्य, आउट ऑफ व्हिच 16 आर फुल टाइम एंड 13 आर पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम मतलब जो संगीत विद्या सिखाने आते हैं, जो पॉटरी सिखाने आते हैं, जो पेंटिंग सिखाने आते हैं, ये पार्ट टाइम आचार्य हैं, क्योंकि ये पूरे 7 दिन यहाँ नहीं आते, 6 दिन नहीं आते। बाकी कई आचार्य हैं जो फुल टाइम सुबह से लेकर शाम तक यहीं पे आते हैं हर रोज, तो वो फुल टाइम आचार्य हैं। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, उदाहरण में एक व्यक्ति है जो बड़ी आईटी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, लास्ट ईयर छोड़ के हमारे को यहाँ ज्वाइन किया टीचर रूप में। ऐसे दूसरा व्यक्ति जो 14 साल एक फ्रेंच कंपनी में काम किया, आईटी कंपनी में, वो तीसरा है जो 19 साल नॉवेल जैसी कंपनी में काम किया, वो एक है जो 20 साल फिडेलिटी में काम किए, वो एक है जो MBA है, HR में काम किए कम से कम 10-11 साल, वो। तो इस तरह से कितने ही लोग जो अपना जो कर रहे थे उसको छोड़ के यहाँ पर, क्योंकि उनके जीवन का रास्ता उनको ये दिखा, ऐसे लोग जुड़े हैं। अभी हम लोगों का फोकस जो होना चाहिए वो बच्चों के ऊपर और इस मॉडल को, और बाकी जो हम कई गुरुकुल जो चाहते हैं कि बने भारत में, उस पे रहना चाहिए। तो इसमें तो अर्थ लगेगा ही लगेगा,
और समाज का सहयोग हमें चाहिए ही चाहिए। ये तो हमारे जीवन में खत्म होने वाला काम नहीं है, ये तो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन होने वाला काम है। मेरा यही निवेदन है कि धर्म के कार्य में सबको आगे बढ़ के आना चाहिए और सहायता करिए। मुनि जी, ये बताइए कि आप भी शायद यूरोप में काम करते थे कुछ सालों पहले। हाँ जी। और माइंड्री में आप काम करते थे कॉरपोरेट में, और वहां से लेकर यहाँ तक आपकी जो जर्नी है, ये कैसे, ये बदलाव कैसे आ गया आपको? ऐसा क्या हुआ कि आप वो सब छोड़कर आए और यहाँ आकर, जैसे आपने बोला कि 6 साल या 7 साल आपने रिसर्च की जी, तो वो जर्नी कैसी थी? उसमें आपका जो लर्निंग कर्व रहा होगा, प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक से एक कड़ी जुड़ती रही, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मेरे परिवार के मेरे ऊपर इम्प्रेशंस रहे, मेरे दादाजी के, मेरे पिताजी के सिंप्लिसिटी के, मेरे दादाजी के डिसिप्लिन के, मेरी मदर के हार्डवर्क के, ये कहीं ना कहीं अंदर बीज के रूप में बने। वैसे ही होते होते मेरा तो बहुत मन था कि मैं माइंड्री का हेड बनूं और सीईओ के रूप में अपने आप को देखता था, और मुझे मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट भी किया 2004 में कि आप, मैं हार्डकोर डेवलपमेंट में था और उन्होंने बोला कि आप हमारे सेल्स की टीम में जुड़ेंगे क्या, तो मैं फिर जुड़ा और वहाँ से यूरोप में गया। तो यूरोप में माइंड्री R&D सर्विसेज को मैं हेड किया, 6 साल वहाँ पर था। मुझे लगता है कि माइंड्री में भी काम करने की वजह से मुझे काफ़ी सहायता हुई इस दिशा में, क्योंकि जो मैनेजमेंट थी माइंड्री की, उनके वैल्यू सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग थे। उनका जो गाइडेंस मिला जब मैं अपने बहुत ही अर्ली स्टेजेस में था, एक प्रकार से मैं मानूंगा, तो उसमें इम्प्रेशंस बहुत सुंदर रहे। कई लोग, लोगों के लाइफ के जीने के तरीकों से, वैल्यू सिस्टम से मैं सीखा। पर सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है 2006 में जब मैं भगवद्गीता पढ़ा, तब मुझे मिला, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि मैं उस दिशा में जाना चाहूँगा तीव्रता से जिसका रास्ता भगवद्गीता बता रही है। तो फिर वहाँ से मेरे अंदर की जो एक क्वेश्चनिंग है, मैं और मेरी पत्नी दोनों, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत, ऑलमोस्ट 2-3 साल बहुत इंटेंसली इस विषय पे एंगेज किए, और कृपा है भगवान की कि हमें ऐसे कई लोग मिलते गए इस जर्नी में, और इस्कॉन में हम लोग कनेक्ट हुए, वहीं पर हमारे ऐसे कई लोगों के साथ मिलना हुआ जिनसे हमें इसमें और डेप्थ मिली हमारी अंडरस्टैंडिंग में। फिर होते होते 2010 में ये क्लियर हुआ कि हमें एजुकेशन में आगे बढ़ना है, तो 2010 में फिर माइंड्री से रिक्वेस्ट करके मैं वापस आया 2011 बिगनिंग में, और 2011 से पूरा हम लोग एजुकेशन के दिशा में ही, रिसर्च में और अंडरस्टैंडिंग में उतरे। 2011 में जब हम वापस आए तो हमारा मन था इंटरनेशनल स्कूल शुरू करने का। तब तक भारतीय दृष्टि का हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि यूरोप से आए वापस तो लगा कि इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल हैं, ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं। तो 2012 जनवरी में इंदुमती कटतरे जी, जो हमारी मेंटर हैं विद्या क्षेत्र की, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ से फिर जो ओरिएंटेशन है कि अरे कितना पावरफुल है हमारा, हमारे मॉडल्स, हमारे जो भारतीय जीवन दृष्टि का जो तरीका रहा शिक्षा का, तो वहाँ से फिर हमारा अध्ययन शुरू हुआ। बहुत सारे स्कूल हम विजिट किए और एक एक करके कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, लोग जुड़ते गए, और 2016 में फिर हमने विद्या क्षेत्र शुरू किया। वाह, तो बहुत ही पेशेंस की भी बात है, क्योंकि अभी जैसे 1-1.5 साल पहले मैंने और मेरे पार्टनर ने हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, हम पहले कई चीज़ों पर बात कर रहे थे, लेकिन मेरा हमेशा से एजुकेशन में मन था। अच्छा। तो लगभग 6 महीने पहले समझ आने लगा कि ये एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में से कितना कुछ सीखा जा सकता है। 6 महीना हमने उस पर रिसर्च किया, हमारे एक टॉक भी था, टेट टॉक में गए थे हम, वहाँ पे भी इसके बारे में बात की। हमने एक छोटा सा कोर्स भी बनाया कि जो लोग बहुत इंटरेस्टेड है जानने में, वो आके हमसे वो उसके बारे में पढ़ सकते हैं जी। लेकिन हमेशा देयर इज मोर टू लर्न, और एक इंपेशेंस आ जाता है कि बहुत कुछ करना है लेकिन अभी कहीं पहुँच नहीं रहे। तो जब आपकी जर्नी में देखता हूँ कि 6 साल आपने सिर्फ अध्ययन किया है, तो मुझे और कॉन्फिडेंस मिलता है कि अभी मेरे पास बहुत समय है और अभी करना चाहिए। और आप लोग इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, तो हमें गाइड करने के लिए भी आप ऑलरेडी हैं। नहीं देखिए, मुझे 6 साल लगे, कदाचित मैं बहुत स्लो लर्नर हूँ इसलिए भी कह सकते हैं या पर हर किसी को उतना ही वर्ष लगने चाहिए, जरूरी नहीं है। तो
पर ये तो जरूर है कि जो हमें 6 साल लगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अभी कोई अगर हमारे पास आ रहा है कि मुझे गुरुकुल में शुरू करना है, जैसे अभी 3 डिफरेंट सिटीज से टीम्स हमारे साथ एंगेज कर रही हैं ऑलरेडी, तो उनका उनको हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 3 साल तो लेके चलिए, 3 से 4 साल लगेगा, 6 साल नहीं लगेगा आपको, पर 3 से 4 साल लगेगा। अभी क्यों, इसमें समझना जरूरी है। क्या है कि मॉडर्न एजुकेशन में सारे का सारा जो दारोमदार होता है, जो सारा फोकस होता है, वो होता है एक्सटर्नैलिटी पे। आपके गोडाउन में भले ही कुछ ना कुछ हो या ना हो, पर आपका शोरूम बहुत सुंदर होना चाहिए। सो दैट इज द समरी ऑफ यू नो हाउ द मॉडर्न एजुकेशन ट्रेन्स यू बेसिकली। वेयर एज भारतीय शिक्षा में आचार्य का मतलब ही है कि जो आचरण करे, जो स्व आचरण में वो बात को लाए। तो ये जो भारतीय शिक्षा दृष्टि का जो मॉडल है, उसमें आपको अपने ऊपर काम करना जरूरी है। तो आपके आपके अंदर चीजें जुड़ने लगी हैं क्या, आपके अपने कोश डेवलप हुए हैं क्या? अगर आचार्य रूप में मेरा विज्ञान में कोश विकसित नहीं हुआ है पूरे से, तो मैं 13, 14, 15 साल जो कि किशोरावस्था के बच्चे हैं, उनके साथ में डील नहीं कर सकता, क्योंकि उनका विज्ञान में कोश में कैसे विकसित कर पाऊंगा जब मेरा ही नहीं हुआ है। तो बिल्कुल मेरा आनंद में कोश स्थिर नहीं है, मैं अपने अंदर के जीवन में एक ठहराव, एक खूबसूरती, एक सुंदरता को अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं किसी और के आनंद में कोश पे कैसे उसकी सहायता कर सकता हूँ। तो इसलिए ये जो जर्नी है 3 से 4 साल जो बात है, मैथ्स पढ़ना समझाना कि कैसे पढ़ाना है क्लास में, इट्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, बट टू गेट दिस मीनिंगफुल चेंज इनसाइड अवर बीइंग, This takes time. तो वो परिवर्तन बहुत आवश्यक है, जो बाहर से अंदर का परिवर्तन है, that is what is the अध्ययन और स्वाध्याय about. हाँ जी, और उसी रास्ते पे आपने जैसे अपने परिवार के बारे में बताया, मेरे परिवार में भी मैं तो बहुत छोटा था, दादाजी जब मेरे गुजर गए, उसके बाद कई सालों बाद मैं उनके रूम में जाकर मैंने उनकी लाइब्रेरी देखी, जिसमें योग और वेद ये सारी किताबें भरी पड़ी थी, और वो उन सब का अध्ययन करते थे। मेरे माता पिता भी सहज योग को फॉलो करते हैं, वो लोग इतने सालों से लगे हैं इस आध्यात्म के रास्ते में, और ये बहुत देर से मेरी लाइफ में आया। तो ये जो चेंज मुझे अपने अंदर दिखता है, सिर्फ इंटरनल अंतर मन पे काम करने के बाद, तब मुझे लगता है कि हाँ, बाहर भी मैं ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ, एज कम्पेयर टू प्रीवियसली जब मैं इसके बिना कोशिश कर रहा था काम करने की। बिल्कुल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं हमारे जो संगीत के आचार्य हैं रघुनंदन भट्ट जी, तो वो जब एक क्लास ले रहे थे, मैं उस क्लास में बैठा, सबसे जो बड़े बच्चे हैं उनकी क्लास चल रही थी, तो उसमें वो सिखा रहे थे। तो बच्चे को उन्होंने एक बात बोला कि बेटा अंदर अंदर जाओ, अंदर जब आपका जो उस राग के साथ कनेक्ट होगा, जो उस आलाप के साथ कनेक्ट होगा, उससे जो बाहर आएगा आपकी साधना से, वो सुंदर होगा। डोंट ट्राई टू यू नो मेक समथिंग जस्ट एक्सटर्नली, गो डीप इन योर रियाज, इन योर प्रैक्टिस, इन योर साधना। तो ये जो पॉइंट जब वो बोले, तो मुझे एकदम लगा, अरे यही तो हम लोग भी बोलते हैं शिक्षा में। तो देखिए, ये जो पंचकोश शिक्षा है और हमारी शास्त्रीय विद्या है जो अभी भी थोड़ी सी बची हुई है, उनमें ये नेचुरल कनेक्शन ही है कि अंदर जितना हम डीप जाएंगे, उससे बाहर जो आएगा, दैट इज वॉट वी हैव टू फोकस ऑन। वेयर एज Today, if you see the young generation, most of them, again, not all, I have met some very, very bright and, you know, value-oriented and deep students also, but very far and few, handful of students. Most of the students are very loud and shallow, you know, in their understanding, even when they are 18, 19, 20 year old. So it pains me to see them like that, you know. What a opportunity miss. If we would have worked with them for good 15 years to develop good depth in their understanding, then you know they would have been so rich in their life experiences and how they will deal with difficult moments in their future. बिल्कुल मुनीत जी, आप जो काम कर रहे हैं, आई होप इसमें और ज्यादा सक्सेस मिले आपको, और हम सबको सक्सेस मिलेगी आपके सक्सेस से। सो आई होप ज्यादा लोग इसे देखें, ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और आपसे जुड़े, और अगली बार आपको हम फिर बुलाएंगे और डिटेल में और डेप्थ में इन सब्जेक्ट्स को जानने के लिए। जरूर, थैंक यू अनंत जी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर व्हाटएवर वी हैव
वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड इट एंड वी आर वेरी हैप्पी टू शेयर. उसके ऋण से हम तभी मुक्त हो पाएंगे जब हम उसको आगे शेयर कर सकें. तो इसलिए वी लुक फॉरवर्ड टू मेनी पीपल कमिंग फॉरवर्ड एंड स्टार्टिंग सच इंस्टीट्यूशन इन अवर कंट्री, मेनी यंग पीपल ज्वाइनिंग दिस मूवमेंट बिकॉज आई कैन सी दैट फायर यू नो कमिंग इन. मेनी पीपल हु आर इन देयर लेट 40s आर अप्रोचिंग अस बिकॉज यू नो वानप्रस्थ का वो पर्पज ही है कि यू नो दे शुड डेडिकेट देयर लाइफ इन दिस डायरेक्शन to share the knowledge. So I am hoping and I look forward to you know taking this forward in our country. Thank you. Bilkul. Thank you Manish ji. Namaste.